बचपन में मेरी माँ मुझे बोलती थी कि तुम जलेबी की तरह सीधे हो, तब मुझे पता नहीं चलता था, लेकिन आज मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे बच्चे जलेबी की तरह सीधे होते हैं। हाय, आई एम रितुजा, वेलकम टू माय चैनल रिलीज विद रितु। जलेबी का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन जलेबी बनाने का जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंथी है। जलेबी के बैटर को ओवरनाइट सोक करना पड़ता है। कितना अच्छा हो अगर हम इंस्टेंट जलेबी बना पाए। तो आइए देखते हैं जलेबी बनाने का सिंपल और क्विक प्रोसेस क्या है। चाशनी बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो है 1 कप चीनी, 1 कप पानी और थोड़ा सा नींबू का रस। और जलेबी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1/4 कप दही, पानी एज पर रिक्वायरमेंट, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 पिंच फूड कलर, डालडा फ्राई करने के लिए और पिस्ता गार्निश के लिए। आइए देखते हैं इसे बनाने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए हम गरम कढ़ाई में डालेंगे 1 कप शुगर और 1 कप पानी। अब हम इसे बॉईल होने देंगे। जब शुगर पूरा गल जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे ताकि हमारा शुगर क्रिस्टलाइज ना हो। जलेबी का बैटर बनाने के लिए हम मिक्सिंग बोल में लेंगे 1 कप मैदा और इसमें 1/4 कप दही डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा फूड कलर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसका स्मूथ बैटर बना लेंगे। अगर आप फूड कलर यूज नहीं करना चाहते तो उसके जगह आप केसर यूज कर सकते हैं। हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें मुझे कलर थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए हम इसमें 1 पिंच कलर और ऐड कर देंगे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें बैटर की ये पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए। हमारा बैटर बन गया है। अब हम एक ग्लास के अंदर पाइपिंग बैग रख के ये बैटर उसमें भर देंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग अवेलेबल ना हो तो आप दूध की थैली, 500 ml वाला वाटर बॉटल या कोई भी सॉस का स्क्वीजी बॉटल यूज कर सकते हैं। इसमें बैटर भरने के बाद हम पाइपिंग बैग को क्लोज करके इसे रबर से बंद कर देंगे ताकि इसमें हवा ना चली जाए। अब हम एक पैन में डालडा या घी गरम करेंगे। मैंने डालडा यूज किया हुआ है। जलेबी को आप घी या डालडा में फ्राई करें। डालडा को कई लोग वनस्पति तूप भी बोलते हैं। इसमें फ्राई करने से जलेबी काफी देर तक क्रंची रहेगा। रिफाइंड ऑयल में फ्राई करने से जलेबी जल्दी सौगी होता है। डालडा गर्म होने के बाद हम पाइपिंग बैग के हेल्प से इसमें जलेबी डाल देंगे। जलेबी फ्राई करते हुए हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम कढ़ाई या वोक की जगह पैन यूज करेंगे ताकि हमारा जलेबी इक्वली फ्राई हो। दूसरी बात, हमें डालडा या घी इतनी क्वांटिटी में लेना है जिसमें हमारा जलेबी पूरी तरीके से डूब जाए ताकि वो अच्छे से फ्राई हो। और तीसरी बात, जलेबी को हमें एंड में लॉक कर देना है, नहीं तो जलेबी ओपन हो जाएगा। जब तक हमारा जलेबी फ्राई हो रहा है तब तक हमारा चाशनी भी उबल चुका है। हमें चाशनी ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। जैसे कि होता है 1 तारी 2 तारी, हमें उतना गाढ़ा चाशनी नहीं बनाना है। हमें इसे
आधा तारी रखना है। अब ये बन चुका है, हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। जलेबी जब पकने लगेगा तब वो नीचे से ऊपर आके फ्लोट होने लगेगा। जलेबी एक साइड से पका है कि नहीं ये देखने के लिए हम उसे टोंग से थोड़ा सा टच करके देखेंगे। अगर जलेबी सॉफ्ट है तो हमें इसे और थोड़ी देर पकने देना है, और अगर वो हार्ड हो चुका है तो हम इसे पलट के और थोड़ी देर फ्राई करेंगे। जब जलेबी दोनों साइड से अच्छे से पक जाएगी तब हम जलेबी को निकाल के चाशनी में डुबो देंगे। ध्यान रखिए, जलेबी या चाशनी में डालते वक्त चाशनी ना तो ज्यादा गर्म होना चाहिए ना तो ज्यादा ठंडा होना चाहिए। जैसे ही आप जलेबी चाशनी में डुबो दोगे, जलेबी चाशनी अब्सॉर्ब कर लेगी। हमें जलेबियों को ज्यादा देर तक चाशनी में नहीं रखना है, नहीं तो जलेबियां सॉफ्ट हो जाएंगी और सौगी हो जाएंगी। चाशनी में डालते ही जब जलेबी चाशनी अब्सॉर्ब कर लेगी तब हमें इन्हें निकाल देना है। जलेबियों ने चाशनी को अच्छे से पी लिया है, अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल देती हूँ। ये जलेबियां दिखने में अमेजिंग लग रही हैं। ये गर्मा गर्म जलेबियां अब सर्व करने के लिए रेडी हैं। आप चाहे तो इसे ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो देखा आपने, ये कितना आसान तरीका है। अब आप जब चाहे जलेबी बना सकते हैं। इसके लिए हमें बैटर को ओवरनाइट सोक करने की भी जरूरत नहीं है। तो इस रेसिपी के साथ जब आपका मन करे आप जलेबी बनाएं, उन बच्चों को भी खिलाएं जो जलेबी की तरह सीधे हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।